हाय गाइस, पेटलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बेटर होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं जो है ना वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी और अब हम फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से और अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आया हुआ हूँ अपनी कॉलोनी के अंदर और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मटकियाँ लगा दी हैं और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हम जो है ना अगस्त से मटकियाँ लगाएंगे, क्योंकि अगस्त में मौसम थोड़ा सा सही हो जाता है, हम ठंडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी भी मौसम जो है ना अच्छा हो चुका है और बर्ड्स पूरी तरह से तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए। तो अगर आप अपने बर्ड्स को मटकियाँ बॉक्सेस देना चाहते हो तो आप बिल्कुल दो, और टाइम आ चुका है ब्रीडिंग का। तो मैं जो है ना आज आया हूँ अपनी कॉलोनी के अंदर, मटकियाँ बॉक्सेस सब ले करके आया हूँ, आपको अभी दिखाते हैं हम। ये देखिए गाइज, ये मेरी कॉलोनी की मटकियाँ एंड बॉक्सेस हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है तो इस वजह से हमने ऐसे रख रखा है, क्योंकि हमें लगाना ही है तो स्पेस का क्या मतलब बनता है। बट आप सबको अच्छा व्यू नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है ना जल्दी से जल्दी यहाँ पे मटकियाँ दे देंगे। लगातार बारिश बनी हुई है, बारिश के साथ साथ मौसम ठंडा है और आपको पता है ठंडी में बजी स्पैरट्स बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ना फर्स्ट क्लच भी ले लिया है, उन्होंने मटकियाँ वगैरह लगा दी थी और उनके पास जो है ना क्लच आ चुका है, फर्स्ट क्लच आ चुका है। और मेरे जो है ना जो पैरट्स हैं वो भी एकदम तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए, फीमेल मेल सब कुछ एकदम रेडी हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कॉलोनी के अंदर। ये कुछ पुरानी मटकियाँ हैं, पुरानी मटकियाँ पड़ी हुई थी, मैं बॉक्सेस बनवा नहीं पाया तो इस वजह से जो है ना मैं अभी करने वाला हूँ क्या हूँ कि मैं जो है ना ये दो तीन मटकियाँ हैं इनको भी इसी कॉलोनी के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये भी फालतू में रखी हुई थी और आराम से जो है ना इनसे ब्रीड होगी, इनमें बेबीज वगैरह आएंगे। हमने धुल दिया है, गंदी थी थोड़ी सी तो हमने धुल दिया है, लेकिन ये कि ये लगे लगे सूख जाएंगी और उसके बाद ये जो है ना आराम से यहाँ पर इसमें ब्रीड करेंगे। तो चलिए हम जो है ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस कॉर्नर से, क्योंकि बर्ड सारे इधर बैठे हुए हैं तो कॉर्नर के जो बॉक्सेस थे वो हम जो है ना सेलेक्ट करते रहेंगे और लगाते रहेंगे। एंड चलते हैं अभी यहाँ का जो बॉक्स है वो देखते हैं, शायद आई थिंक ये वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है जैसे पहले लगा हुआ था ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह, एकदम उसी वे में हम जो है ना लगाने की कोशिश करेंगे और बॉक्सेस ढूंढ ढूंढ के जो है ना लगाएंगे। बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यार डिस्टर्ब होने लगते हैं अगर आप जो है ना इस तरह से कॉलोनी के अंदर आओ तो। सब पेच वगैरह लगे हुए हैं पहले से, आई थिंक ये होगा इस साइड का बॉक्स, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमने पेच से नाप ली थी, लेकिन हमने जो है ना लिखा नहीं है यार, लिख लेते तो शायद बेटर रहता। हटा देंगे, तुम इधर आ जाओ। तो गाइज, ये तीन बॉक्सेस लग चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम एडजस्ट हो गए हैं जैसे मैंने पहले लगाया था, एकदम उसी तरह से जो है ना उसी अंदाज में ये सारे के सारे लग चुके हैं। और बर्ड्स भी बहुत जल्दी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जैसे ही इनको ये बॉक्सेस दूंगा ना उसके बाद ये सारे के सारे तैयार हो जाएंगे ब्रीडिंग के लिए और अपनी ब्रीडिंग पे जो है ना ये प्रॉपर ध्यान देंगे। फिलहाल चलिए हम जो है ना जब तक कि मटकियाँ लगाते हैं, ये इतने बॉक्सेस इधर वाले और बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये कॉर्नर की जगह खाली है, यहाँ पर हम जो है ना एक बॉक्स लगा सकते हैं या एक मटकी लगा सकते हैं, अभी बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल जो है ना और डिस्टेंस भी आप जैसा कि देख रहे हैं ना, एक का मुँह इस साइड है, दूसरे का मुँह इस साइड है, इससे क्या है कि बर्ड्स को काफ़ी गैप मिल जाता है तो जो फाइटिंग वाला मसला होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमने लगाया हुआ है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत झगड़ा हो रहा है, तो लड़ाई झगड़े का जो सीन आता है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आता है कि हम जो है ना उनको सही डिस्टेंस नहीं दे पाते अपने बर्ड्स को, सही डिस्टेंस सही गैप। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक गैप है, इसके अकॉर्डिंग बर्ड जो है ना आराम से कोई दिक्कत नहीं होती, वो फाइट नहीं करते हैं।
तो डिस्टेंस देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ बॉक्सेस को सेट कर दिया अपनी कॉलोनी के अंदर और मेरे जो बर्ड्स हैं वो भी एकदम देख रहे हैं कि हाँ हमारा जो है ना ब्रीडिंग का इंतज़ाम हो चुका है। कॉर्नर साइड में यार एक पेच लगे तो हैं, जगह भी है वहाँ पे। अब पता नहीं वहाँ पे बॉक्स आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो भी अभी चेक करना है। ये सब बॉक्स एकदम स्ट्रॉन्ग लगे हैं। बॉक्स लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, वो ये कि यार बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए। अगर हिलते हैं ना तो अंडे ख़राब हो जाते हैं और बच्चे जो है ना नहीं निकलते हैं। फीमेल भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अंडों पर नहीं बैठती हैं ना, तो बॉक्स लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो बॉक्स हैं उसके अंदर जो है ना यार एक इस बॉक्स में छेद नहीं हो पाया, बाकी हमने सब में देखो एक्स्ट्रा होल कर दिए हैं। वेंटिलेशन के लिए कर दिए थे, इसका ये छूट गया है मेरे ख्याल से, ये कहीं रखा था, ध्यान नहीं दे पाए हम। बाकी सब में हमने देखिए वेंटिलेशन के लिए होल कर दिए, इसके अंदर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इसके अंदर तो वैसे ही इतना स्पेस है ना कि वेंटिलेशन इसके अंदर होता रहता है आराम से, बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है। तो चलिए अभी वहाँ कॉर्नर साइड वाला चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना थोड़े से ये और दो तीन बॉक्स और बचे हैं और आपका मटकियाँ बची हुई हैं। मटकियाँ मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड कॉर्नर में टांग दें, एक इस साइड यहाँ कॉर्नर में लगा देते हैं और एक स्पेस वहाँ पर बचा हुआ है वहाँ पर लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो है ना थोड़ा सा इनको स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा, है ना। और फिर रिज़ल्ट का हम वेट करेंगे, क्या रिज़ल्ट आता है। जो भी होगा चैनल पर आपको प्रॉपर वे में गाइस दिखता रहेगा। बस यही रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपनी कॉलोनी के अंदर सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो लगा दिए हैं और कुछ मेल्स फीमेल्स जो है ना बॉक्सेस की चेकिंग भी कर रही हैं। आपको पास से दिखाते हैं। तो गाइस ये है कॉलोनी का व्यू, जिसके अंदर हमने दो ही मटकियां लगाई क्योंकि बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मटकियाँ हमने जो है ना इसलिए दो ही लगाई हुई हैं। और सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो एकदम अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और कॉलोनी भी अब मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि आपको पता है ऐसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है देख करके, कॉलोनी को अच्छी लग रही है। और अब बस रिज़ल्ट देखना है कि क्या होता है बर्ड्स का रिज़ल्ट, मेल फीमेल का क्या रिज़ल्ट रहता है, कितनी जल्दी ये सेट होते हैं और कितनी जल्दी ये अंडे देते हैं, अंडों में से बच्चे कितने दिन में निकलते हैं,
सारा का सारा प्रोसेस हम आपके साथ में नेक्स्ट डे बाय डे शेयर करते रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। सबको भी दाना दिया है तो सब दाना पानी खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और कुछ मेल आए हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि हाँ देखो बॉक्स आ गया है यहाँ पे और अब हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। तो फीमेल्स जो है ना फैमिली प्लानिंग पे लग जाएंगी सब के सब बेहतरीन तरीके से, और क्या डाइट देनी है, कैसे इनको खाने के लिए देना है, कैसे इनको ख्याल रखना है, और क्या क्या मेडिसिन यूज़ करानी है, वो भी हम आपके साथ में प्रॉपर वे में इस वीडियो मतलब अपने चैनल पर शेयर करते रहेंगे। तो गाइज़ जुड़े रहें हमारे इस चैनल से, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, एंड थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।